दोस्तों आज मैं प्रकृति में रहने वाले ऐसे विचित्र जीव के बारे में बताने जा रहा हूँ जो देखने में बहुत ही डरावना होते हैं। दरअसल मैं बात करने वाला हूँ चमगादड़ के बारे में, जिनका वैज्ञानिक नाम चपेट्रा होता है। दोस्तों चमगादड़ जापान और चीन में शुभ माने जाते हैं, पर इंडिया में इससे होने वाले वायरस और जादू टोना के कारण लोग इन्हें अशुभ मानते हैं। चमगादड़ की इस दुनिया में लगभग 1200 प्रजाति पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रजाति अमेरिका में पाई जाती है। चमगादड़ पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है। चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, बल्कि वह बच्चे पैदा करते हैं और वह अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। पर चमगादड़ की 3 ऐसी प्रजाति होती है जो खून पीती है तथा वह इंसान को भी नुकसान पहुँचा सकती है। इन चमगादड़ को वैम्पायर चमगादड़ के नाम से जाना जाता है। यह जीव की उत्पत्ति लगभग 10 करोड़ साल पहले यानी डायनासोरों के समय बताया जाता है। इनकी खास बात यह भी है कि इनके खाने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यदि चमगादड़ का वेट 1.5 किलो है तो वह अपने वजन से 2 गुना भोजन खा सकते हैं, यानी वह 3 किलो तक खा सकते हैं। इनके प्रजाति में सबसे छोटा चमगादड़ जो है उसे बम्बल बी के नाम से जाना जाता है, जिसका वेट 215 ग्राम होता है तथा सबसे बड़ी चमगादड़ की प्रजाति का नाम जायंट गोल्डन क्राउनेड फ्लाइंग फॉक्स है, जो एक लोमड़ी की तरह दिखती है। यह अपने पंखों को 6 फीट तक फैला सकती है, यानी इंसान इतना बड़ा, जो देखने में बहुत ही डरावना लगता है। यह फिलीपींस में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, पर इससे इंसान को कोई खतरा नहीं है। चमगादड़ ज़्यादातर वेजिटेरियन और कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। इनके खाने की एबिलिटी बहुत तेज़ी होती है। यह 1 घंटे में 600 खटमल खा सकते हैं और 1500 छोटे मोटे कीड़े भी आराम से खा सकते हैं, जो एक मनुष्य के 18 पिज्जा को खाने के बराबर होता है। इनके काटने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कोरोना वायरस, रेबीज, इबोला वायरस, साइरस वायरस इत्यादि। दोस्तों चीन व जापान में लोग चमगादड़ को खाते हैं और इनका सूप भी पीते हैं। चमगादड़ रात में ही दिखाई देता है, दिन में नहीं, क्योंकि इनकी आँखें इस तरह से होती हैं कि वह सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर सकती तथा वह उड़ने व चलने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी आवाज़ निकलती है, और यह आवाज़ जब किसी वस्तु से टकराकर वापस आ जाती है तो यह उस वस्तु का आकार व स्थिति का पता लगा लेते हैं। इस सिस्टम को बायोसोनार या इको सिस्टम कहते हैं, और चमगादड़ 20 हर्ट्ज से 120,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकता है, जो एक इंसान की बस की बात नहीं है। चमगादड़ 12 किलोमीटर बिना थके आराम से उड़ सकते हैं और इनकी कैपेसिटी 60 मील्स प्रति घंटा तक होता है। चमगादड़ के मुंह में लगभग 20 से 38 दांत होते हैं तथा इनकी जीभ बहुत लंबी होती है तथा इनकी टांगें बहुत छोटी होती है, जिनके कारण ये जमीन पर नहीं चल सकते और ये हमेशा उल्टा ही लटके रहते हैं गुफाओं व पेड़ों पर। दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हमारे वातावरण में कुछ पौधे ही नहीं होते अगर चमगादड़ न होते। दरअसल चमगादड़ इन पौधों के बीज को खा जाते हैं और पाचन की क्रिया में यह उन्हें यहाँ वहाँ पर बिखेर देते हैं, जिनके कारण इन बीजों से वहाँ पर पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। और 95% प्राकृतिक वर्षा चमगादड़ के द्वारा फैलाए गए इन पौधों से ही होती है तथा इनका प्रयोग खाने में तथा दवाइयों व औषधि के रूप में किया जाता है तथा इनके मल का प्रयोग पहले गन पाउडर बनाने में किया जाता था। तो यह थी चमगादड़ के बारे में कुछ जानकारियाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।